हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पोटेंशियोमीटर को स्टडी कर रहे थे। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख रहे थे। तो वहाँ पोटेंशियोमीटर मींस जो मेजरिंग डिवाइस है अपने व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर जैसे, वो वहाँ पे एंड हो गए थे। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हमें देखेंगे कि अपना जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने जनरली तो कंडक्टर्स को स्टडी किया है, मेटल्स को स्टडी किया है, ठीक है, उनसे रिलेटेड टर्म्स अपन स्टडी कर रहे हैं। तो उन्हीं का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है वो हमको देखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, तो दोनों का रिलेशन हम लोग टेम्परेचर के साथ अभी देखेंगे। देखो, हमने रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? R इक्वल टू था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। ये फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस के लिए स्टडी किया था, ठीक है। रेजिस्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला जो था वो था रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन ओम्स लॉ के बाद पढ़ी थी वहाँ स्टडी किए थे, ठीक है। ये रिलेशन मैंने निकाला भी था। इस रिलेशन को अगर मैं देखूं तो देखो, ये R जो है ना वो टॉर्क, ये क्या होता था? दिस वाज मीन रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इस पर R की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। ये क्या होता था कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास होता था, वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता था, ठीक है। फर्स्ट कोलिजन ऐसे ही है, सेकंड कोलिजन यहाँ करेगा। तो बार बार इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन जब होते थे तो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता था उसको हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा, ठीक है, तो दो कोलिजन्स के बीच में ये क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम है अपना। और सारे रिलैक्सेशन टाइम्स, एक रिलैक्सेशन टाइम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे ही थर्ड कोलिजन होगा उससे पहले होगा, तो सबका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। तो मान लो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर से उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब उसकी जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही हाफ एम वी स्क्वायर इंक्रीज हुआ, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो वही पाथ कवर करना है, मोर वेलोसिटी से कवर करना है। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टर्स में जो टॉर्क की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों भाई? टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, उससे वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उससे जो टाइम लगना चाहिए था टू सक्सेसिव कोलिजंस के बीच में वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो गया। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर रिड्यूस हो गया तो अपन को दिख रहा है कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। भाई फॉर्मूला से दिख रहा है टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर टी इंक्रीज होगा, टॉर्क डिक्रीज होगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस अगर कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। सेम रिलेशन रेजिस्टिविटी के साथ आया है टॉर्क का। दैट मींस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो ओनली किसके लिए कर रहे हैं? मेटल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सारी मेटल्स के लिए ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाए डिक्रीज होता हुआ, एक फिक्स मिनिमम वैल्यू तक जीरो होता है। कुछ मेटल्स के लिए ऐसा होता है, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं कि भाई उनके लिए एक टेम्परेचर, अगर मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के इक्वल कर दूँ, टी सी जिसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करता हुआ एक फिक्स टेम्परेचर तक ले जाऊँ तो एक फिक्स टेम्परेचर पर कुछ मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसी हैं कि जिनका टेम्परेचर अगर एक फिक्स टेम्परेचर तक रिड्यूस कर दिया जाए, उस फिक्स टेम्परेचर को क्या कह रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा इसका मतलब करंट के पाथ में कोई पोजीशन नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जो अपनी एनर्जी है ना उसका लॉस नहीं होगा, क्योंकि हीट की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर टी एच इक्वल टू ये होता है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हीट की फॉर्म में कोई लॉस नहीं होगा और एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इसका मतलब जो अपनी एनर्जी है वो इन्फाइनाइट टाइम्स तक फ्लो करती रहेगी, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ना जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इस स्टेट को बोलते हैं
सुपर कंडक्टिविटी, दिस स्टेट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। इस पर भी क्या है, रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट सुपर कंडक्टिविटी जनरल टेम्परेचर पे, जनरल कंडीशंस में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सुपर कंडक्टिविटी के थ्रू एनर्जी को सेव कर सकें, ठीक है। और इस समय, इस टाइम ये जो मटेरियल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक स्टेट है उसी मेटल की, कब, जब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो फिक्स मिनिमम टेम्परेचर है, वो फिक्स है, जिसको अपन क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो वापस अपन आते हैं मेटल्स पे, अपन ये कह रहे हैं कि भाई अपना टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई ये जो चेंज होता है, अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ अपन को मिलता है, ठीक है। एक सडन चेंज रेजिस्टिविटी के अंदर आता है टेम्परेचर के साथ, ये डिग्री सेल्सियस में मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ, ये हमने रेजिस्टिविटी ली, एक फिक्स रेजिस्टिविटी तो होगी रो नॉट, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस के साथ अगर मैं कर्व बनाता हूँ, दिस विल बी द कर्व ऑफ और ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, सो दिस विल बी द कर्व फॉर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। वो फिक्स मिनिमम वैल्यू आर नॉट और रहेगी अगर टेम्परेचर जीरो हो जाए तो भी, ठीक है। मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस पे भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की कुछ ना कुछ वैल्यूज अपने पास होती हैं। तो ये तो मैंने थ्योरेटिकल डिपेंडेंस देखी, अब न्यूमेरिकली कैसे डिपेंड करता है, फॉर्मूला से कैसे बताएंगे, रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, वो अपन देखें। अब मान लो मेरे पास कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब वो जो कंडक्टर मेरे पास है, उस कंडक्टर का मैंने टेम्परेचर चेंज किया, कहाँ से चेंज किया, लेट स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर है जीरो, और मैं उसका टेम्परेचर जो है वो वहाँ से ले गया क्या, टी डिग्री सेल्सियस पे ले गया, ठीक है। तो मैंने चेंज कितना कर दिया, डेल्टा टी चेंज कर दिया, ठीक है। लेट उसका स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस था वो आर नॉट था, और वो चेंज होकर क्या हो गया, आर टी हो गया टी डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये जो चेंज है रेजिस्टेंस के अंदर, कितना, आर टी माइनस आर नॉट, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट पर, और एक ये आर टी माइनस आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहा है, तो दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। तो अगर दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करूँ तो आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इन टू डेल्टा टी। यहाँ से आर टी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूँगा, इक्वल का साइन लाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, अल्फा विल बी आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। इसकी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अपन इस रिलेशन को देख रहे थे, आर टी माइनस आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो अगर मुझे टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस आर टी चाहिए, दैट विल बी आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। दैट मीन्स आर टी क्या हो जाएगा, आर नॉट अगर मैं कॉमन लूँ तो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड द रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है, ये फॉर्मूला किसके कंपैरिजन में निकाला है, आर नॉट मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है ना, उसके कंपैरिजन में मैंने निकाला है, ठीक है। अब चाहिए जो टेम्परेचर कोफिशियंट है, ये भी दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक ये होता है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट हो सकता है, पी टी सी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट हो सकता है, एन टी सी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो पी टी सी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट मीन्स अल्फा पॉजिटिव जो होगा वो तब होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, ये मेटल्स में होता है, ठीक है। अल्फा होता है नेगेटिव मीन्स एन टी सी, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो, रिड्यूस हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा सेमी कंडक्टर्स में होता है। तो सेमी कंडक्टर्स के लिए जो अपन ग्राफ बनाते हैं ना टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का, तो वो इनवर्स का ग्राफ आता है, ठीक है।
तो ये अपने दो टाइप के अल्फा हो जाएंगे, एक तो एनटीसी और एक पीटीसी, और अपन जो एस्टेब्लिश कर सकते हैं न्यूमेरिकल रिलेशन वो यहाँ से आर टी इक्वल टू टी टेम्परेचर पे जो अपना रेजिस्टेंस दैट इज आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। अभी जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस की है, ठीक है, तो मान लो मेरे को रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कोई भी दो डिफरेंट टेम्परेचर्स में, तो वो टू डिफरेंट टेम्परेचर्स में कैसे अपन रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। मान लो मुझे आर नॉट पे तो टेम्परेचर आर नॉट जो रेजिस्टेंस है वो तो दे ही रखा है टी इक्वल टू जीरो पे, रेजिस्टेंस कितना है आर नॉट। लेट टेम्परेचर टी वन पे जो अपना रेजिस्टेंस है वो क्या है आर वन है, टेम्परेचर टी टू पे अपना जो रेजिस्टेंस है वो आर टू है, तो जो आर टू होगा दैट विल बी आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी इज टी टू माइनस जीरो, ठीक है भाई। तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर नॉट वन प्लस अल्फा टी टू, आर वन विल बी वॉट आर नॉट वन प्लस अल्फा एंड टी वन माइनस जीरो, ठीक है भाई। इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, तो आर टू अपॉन आर वन विल बी वॉट आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा वन प्लस अल्फा टी टू अपॉन वन प्लस अल्फा टी वन, देन आर टू विल बी वॉट आर टू विल बी वन प्लस अल्फा टी टू एंड अपॉन वन प्लस अल्फा टी वन और इनटू में क्या हो जाएगा आर वन। अब मान लो इधर से अगर अल्फा निकालना हो किसी केस में देन दिस विल बी व्हाट आर टू एंड दिस इज आर टू, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं प्लस आर टू अल्फा टी वन इक्वल टू आर वन प्लस आर वन अल्फा टी टू, ये हो जाएगा। तो दिस विल बी आर वन, इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले आएंगे, दिस इज आर टू अल्फा टी वन माइनस आर वन अल्फा टी टू इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूँ दिस इज आर टू टी वन माइनस का आर वन टी टू इक्वल टू आर वन माइनस का आर टू, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर टू अपॉन आर टू टी वन माइनस का आर वन टी टू। तो यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर मुझे टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे और रेजिस्टेंसेस नोन हो तो, ठीक है भाई। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो उनके अंदर भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से कर सकते हैं, वो काफ़ी बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो ईजिली इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके आपके वो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।